अरबी ऐसी जुबान है जहां हर लफ्ज जहां लगाया गया है वहां पूरा पैगाम लेकर आता है, पूरा पैगाम उसके अंदर, पूरी बीज होता है ना, बीज, बीज में सारा दरख्त होता है, सिर्फ उसको किसी जगह लाने की जरूरत है। तो अरबी एक ऐसी जुबान है जिसके हुरूफ का भी मतलब हो, हुरूफ का, कोई जुबान ऐसी नहीं जिसके हर्फ का मतलब हो। अरबी ऐसी जुबान है जिसके हुरूफ का भी मतलब है। इब्नुल मंजूर ने लिखी है लिसानुल अरब 17 जिल्दों में, वो फरमाते हैं कि अगर हुरूफ पे लिखता तो इतनी जिल्दें तैयार हो जाती, हुरूफ पर, वो अल्फाज पर है, हुरूफ पर। ये वाहिद जुबान है जिसके हर्फ का भी मतलब होता है। अलिफ का मतलब है, बा का मतलब है, ता का मतलब है, सीन का मतलब है। फिर इसमें जो नुक्ते वाले हर्फ हैं वो कमजोर हैं, जो बगैर नुक्ते वाले हर्फ हैं वो ताकतवर हैं। उसमें कई वजूहात में एक वजह जो आप सब समझेंगे, नुक्ते वाला हर्फ अपना मतलब बताने के लिए मोहताज है, नुक्ता लगाओ, और बगैर नुक्ते वाला हर्फ अपना मतलब बताने के लिए किसी चीज का मोहताज नहीं, वो आजाद होकर अपना मतलब अदा करता है। जब उस मालिक ने अपना नाम चुना तो उन हुरूफ से चुना जिसमें नुक्ता ना आए, अल्लाह। जब अपने हबीब का नाम चुना तो उन हुरूफ से चुना जिसमें नुक्ता ना आए, मोहम्मद, अहमद। और जब कलमा बनाया तो उन हुरूफ से बनाया कि जिसमें नुक्ता ना आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो मोहम्मद रसूल, नुक्ता है। हमारे इल्मी हलके, दुनियावी हलके सब अल्लाह की बजाय खुदा बोलते हैं। ये मेरा एक मासूम सा गिला है, मैं कोई मुफ्ती तो बड़े 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 बैठे कोई फतवा ना ठोके अजय, मतलब खुदा कहना कोई मना नहीं, सारे अकाबर सारे उलमा इस्तेमाल करते चले आए, लेकिन ये जुड़ता नहीं, अल्लाह के साथ अल्लाह ही जुड़ता है, क्योंकि उसने खुद कहा मेरा नाम अल्लाह है, उसने कहा मेरा नाम खुदा है। खुदा एक तर्जमा है, खुदा तर्जमा है, नाम नहीं है, तर्जमा है। और नामों का तर्जमा नहीं होता, नाम को नाम से पुकारा जाता है। मैं यूं कहूं जाहिद साहब को, मौलाना दुनिया से बेरगबत साहब क्या हाल है, मौलाना खुशबूदार साहब क्या हाल है, ये मेरा जुमला माकूल है, बोलो। तैयब, खुशबूदार, जाहिद, बेरगबत, तो कभी सुना किसी ने आकर इनसे कहा मुफ्ती बेरगबत साहब, मुफ्ती खुशबूदार साहब हैं। और ये एक वाकया है, वाकया सियाल, सियाल कौम है राजपूतों की, उनकी आगे एक शाख है डिंगे सियाल, डिंगे सियाल जंग में अच्छे बड़े जिम्मेदार हैं, तो हमारे उनसे कदीम ताल्लुक है। तो जहांगीर डिंगा तो फौत हो गया मरूम, बड़ा घोड़ों का शौकीन था बड़ा, तो उसने फोन किया अपने एक दोस्त को जंग शहर, वो गांव में रहते, आगे उसकी बेटी ने उठाया, छोटी बेटी, उसने कहा आपके अबू कहाँ है, कहा वो तो नहीं है, कहा अच्छा उनसे कहना कि जहांगीर डिंगे का फोन आया था, डिंगा कास्ट है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त का फोन आया हंसते हुए, कहा यार जहांगीर में आए तो बड़ा लतीफा हो गया, क्यों है, उसने कहा मैं घर आया तो मेरी बेटी मैंने आखे अबू अबू जहांगीर टेढ़े का फोन आया था, जहांगीर टेढ़े का फोन आया था। नाम का तर्जमा नहीं होता, नाम का तर्जमा नहीं होता, नाम का तर्जमा नहीं होता, नाम को नाम से पुकारा जाता है। तो आप सारे अहले इलम बैठे हो, कौन सी बड़ी बात है, खुदा से हट के अल्लाह पे आ जाओ, जो खुद उसने कहा अल्लाह नूर السماوات والارض, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहुल्लज़ी यब्दअुल ख़ल्क़ा थुम्मा युईदुहु अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बग़ैरि अमदिन तरौनहा अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ा सब़अ समावातिन व मिनल अर्ज़ मिथ्लहुन क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। क्या नाम है अल्लाह, ये वाहिद लफ्ज़ है जो होंठों से नहीं अदा होता, अंदर से अदा होता है। कहो अल्लाह, होंठ नहीं हिलते, हलक बोलता है अल्लाह, कहो अल्लाह।
یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے. لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں، مجھے اندر لے جاؤ. ہونٹ نہیں ہلتے، حلق ہلتا ہے. اللہ، یہاں سے آواز آتی، یہاں سے. میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا، اللہ ادا نہیں ہو سکے گا. اللہ. تو بچوں، اور یہ آپ کے مفتیان بھی، علماء سے بھی، عوام سے بھی، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ لکھنے کی عادت ڈالو. جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے. اللہ اب اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے. جو اللہ، کیوں، جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آ جاتے ہیں، تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو، اب عربی طلبہ ہو، عربی سے مناسبت پیدا کرو. صرف ضربہ یضرب ضربن پہ نہ رہ جاؤ. بدنی زید کی تھوا مرے ضرب زید ضرب، کدی مار کھا رہا ہے کدی مار رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی لتر کھا رہا ہے، کدی روٹی کھا رہا ہے کدی سوٹے مار رہا ہے. اکل زیدن ضرب زیدن ضرب زیدن. ایک تاجر کہنے لگا مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پہلا سبق ضرب یضرب ضربن پڑھتا تو ان کے دماغ میں ضرب ضرب لگ جاتا، پھر جو گرد ضرب 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 ضرب. کیا مصیبت ہے بھائی، کوئی اور بھی دیکھ لو. میرے بچوں، عربی سے مناسبت پیدا کر. اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا کر.